हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट कंप्यूटर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप एमएस वर्ड में जितने भी टूल होते हैं या फिर जो विंडो एमएस वर्ड का जो विंडो है उसमें कौन से टूल या फिर कौन से पार्ट्स को क्या बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट में आप देखेंगे ये जो ऊपर में दो जो ऑप्शन दिखाई देते हैं, दो चार है ना, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। ठीक है, लास्ट में एक बार यूज़न किया जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि इसको बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस बार। उसके आगे में ठीक हम लोग जैसे थोड़ा सा आगे और आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा टाइटल बार, जो हम लोग अपने फाइल का नाम दिए रहते हैं ये ऑप्शन होता है। ठीक उसके जस्ट नीचे में आप लोग कुछ ऑप्शन और देखेंगे, आप यहाँ पे हेल्प के लिए होता है। उसके अलावा आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग वर्ड को क्लोज करने का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक उसके जस्ट नीचे पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लास्ट में एक मेनू बार मिल जाएगा, जिसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फाइल, इसको होम टैब भी, इसको जो टैब भी बोला जाता है, वर्ड के जो टैब होते हैं टैब भी बोलते हैं, और इसको मेनू बार भी बोला जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू व्यू, इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद ये जो बड़ा वाला ऑप्शन होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप होते हैं अलग अलग। ये होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक है, ये होता है फॉन्ट ग्रुप, और ये होता है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। उसके आगे जस्ट में हम लोग देखते हैं ये होता है हमारा स्टाइल ग्रुप, देन लास्ट में होता है एडिटिंग ग्रुप। ये इस तरीके से पांच ग्रुप में बटे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टूल बार भी बोलते हैं पूरे को। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में ये जितने भी यहाँ पर आते हैं हमारा स्क्रॉल बार आता है। नीचे में यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कितने पेज का है, उसमें टोटल कितने वर्ड यूज़ हुए हैं, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आगे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन और मिल जाएंगे, जैसे रीड मोड का, या फिर आप यहाँ से अपने पेज को जूम इन जूम आउट भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ कुछ ऑप्शन हैं हमारे एमएस वर्ड के, इतना हमें बेसिक जानकारी हमें पता होना ही चाहिए। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें तो उसके लिए हम लोग एक पिक्चर ऑलरेडी पहले से बना के रखे हैं, उसको हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन से पॉइंट को और क्या बोला जाता है। पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं जिसको पहले से हम लोगों ने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। इस पेज में आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन हैं उसको एक बार डिटेल में और बताया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, आगे आपके काम आएगा। तो दोस्तों, ये थी एमएस वर्ड के विंडो की जानकारी और अलग अलग टूल के नाम को हमने जाना। इसी तरीके के कंप्यूटर से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।